चंडीगढ़ के सेक्टर 16 स्टेडियम में लहराते हुए राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन के करीब 6000 स्टूडेंट्स की मदद से राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि बनाई गई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारीलाल पुरोहित और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर तिरंगा मुहिम चलाई हुई है और उन्हें बहुत खुशी है कि इसके तहत आज चंडीगढ़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर सतनाम सिंह संधू ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान किया था, जिसके तहत हमने करीब 6000 स्टूडेंट्स की मदद से राष्ट्रीय ध्वज की सबसे बड़ी मानव छवि बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। मैं सबसे पहले तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन को धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना था कि हर घर तिरंगा जो कैंपेन है और आज़ादी का अमृत महोत्सव, इन दोनों को जन भागीदारी में जनता का मूवमेंट बने, ये कुछ एलीट कुछ लोगों के हाथों में नहीं रहकर ये सबके बीच सब एक ही भावना से प्रेरित है, तिरंगे की भावना से हम सब प्रेरित हैं, तो क्यों तिरंगे को हमारे से दूर रखा जाए। उसी चीज़ को आगे बढ़ाने में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और एनआईडी फाउंडेशन ने जो काम किया है उसके लिए मैं इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। ख़ास तौर पे जिन युवाओं ने इसमें भागीदारी अपनी दर्ज की है उन सबको जिंदगी भर के लिए एक सर्टिफिकेट उनकी मेमोरी में रहने वाला है और भारतीयों के लिए बहुत गर्व का विषय है, हम सब के लिए गौरवान्वित होने का विषय है कि इतनी बड़ी संख्या में सम्मिलित होकर वॉलंटरी बेसिस पर ये हमने तिरंगा को मानव श्रृंखला के रूप में बनाया और हर व्यक्ति का मन एक ही भाव से परिपूर्ण हुआ कि हम जब तक जिंदा हैं तब तक तिरंगे की आन बान शान में लगातार अपने कर्तव्य के द्वारा अपने आप को समर्पित रखेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आह्वान दिया था आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने का, और उसके तहत हर घर तिरंगा कैंपेन जो है आज से शुरू हुई है और ये अपने आप में जन आंदोलन बन चुका है। लेकिन हमारी कोशिश थी कि इसमें वैल्यू एडिशन कैसे किया जाए, जज्बा सब में है, हर घर तिरंगा हो रहा है लेकिन अलग क्या किया जाए, और हमारी हर बार कोशिश होती है कुछ इनोवेट किया जाए, और हमने सोचा कि क्यों ना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाए, और हमने इस पे आज अटेम्प्ट की वो सक्सेसफुल हुई है। और आज हर घर तिरंगा के पहले दिन वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया जा चुका है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनआईडी फाउंडेशन के आह्वान पे ये काम हुआ है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हमें सहयोग रहा है। आज़ादी का 75वां महोत्सव मनाया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि तिरंगा जो है तिरंगे की पहले फॉर्मेशन की गई है। चंडीगढ़ सेक्टर 16 के स्टेडियम में ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है और 8500 के करीब स्टूडेंट्स ने जो है तिरंगे का फॉर्मेशन किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में जो है टीम जो गिनीज बुक की है वो भी यहाँ मुआयना करने पहुँची है, उसमें रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और अगर मुख्य मेहमानों की बात की जाए तो पंजाब के गवर्नर जो है बनवारीलाल पुरोहित, पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर जो बनवारीलाल पुरोहित वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, मीनाक्षी लेखी केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पहुँची हुई है, चंडीगढ़ की मेयर सरबजीत कौर वो यहाँ पहुँची, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की ओर से ये कार्यक्रम करवाया गया है। सतनाम सिंह संधू जो चांसलर हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वो इस वक्त राज्यपाल के साथ जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। चंडीगढ़ बीजेपी के प्रधान हैं अरुण सूद, वो नज़र आ रहे हैं। चंडीगढ़ के एडवाइज़र धर्मपाल और चंडीगढ़ के DGP जो हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और आज़ादी का 75वां जो महोत्सव है वो इस वक्त चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। कैमरामैन अमर सिंह के साथ दीपक शर्मा, MHO न्यूज़ चंडीगढ़।